सर्वेभ्य नमो नमः। अहम मोनिका तालियान। आज की वीडियो में हम अपनी कक्षा पांच की सुरभि पुस्तिका के पंचमा पाठ पांचवे पाठ का अध्ययन करेंगे। पाठ का नाम है अस्माकं प्रिय मित्राणि पक्षिणः, हमारे प्रिय मित्र पक्षी। यह आपका पाठ पक्षियों के बारे में है। आपकी कक्षा में अलग से व्याकरण नहीं है, आपके पाठों के माध्यम से ही आपको संस्कृत का ज्ञान कराया जा रहा है। तो आपके पाठ जिस विषय में है, जैसे आपका चतुर्थ पाठ आपका फल और सब्जियों के विषय में था, आप उनको भी साथ साथ याद करते हुए चलेंगे। आपका पाठ पक्षियों के बारे में है, तो यहाँ पर जो आपको चित्र दिखाई दे रहा है उसमें आपके पक्षी और उन पक्षियों के नाम जो आपके संस्कृत में होंगे वह लिखे हुए हैं। जैसे सुकहा, सुका का अर्थ है आपका तोता, काकहा का अर्थ है आपका कौवा, उल्लू कहा का अर्थ है आपका उल्लू, कुक्कुटहा का अर्थ है आपका मुर्गा, कपोता का अर्थ है आपका कबूतर, मयूरा का अर्थ है आपका मोर, चटका का अर्थ है आपका चिड़िया, पिका का अर्थ है आपका कोयल, हंसहा का अर्थ है आपका हंस, वका का अर्थ है आपका बुगला। यहाँ पर आपको कुछ छात्र यह चित्र दिखते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपके इन छात्रों के संवाद के माध्यम से ही आपको पक्षियों का ज्ञान कराया जाएगा। तो हम अपने पाठ को ध्यान से पढ़ेंगे और जो आपके पाठ में आए हुए शब्द हैं उन पर भी हम ध्यान देंगे, तभी आप अपने संस्कृत को और अच्छे से सीख सकते हैं। यहाँ पर जो ये आपके छात्र चित्र देख रहे हैं उन्हीं का संवाद आपका इस पाठ में दिया हुआ है। रमा नामक छात्रा कहती है, राजीव अस्मिन् चित्रे त्वं किं पश्यसि। यहाँ पर रमा राजीव को संबोधित करते हुए कहती है कि हे राजीव, अस्मिन् चित्रे का अर्थ है इस चित्र में त्वं माने तुम, किं माने क्या, पश्यसि माने देखते हो। यहाँ पर रमा राजीव से कहती है कि हे राजीव, इस चित्र में तुम क्या देखते हो। राजीव यहाँ पर उत्तर देता है रमे कि हे रमा, चित्रे तु अनेके खगः सन्ति। चित्रे का अर्थ है आपका चित्र में, तू का अर्थ है आपका तो, अनेके खगः का अर्थ है आपका बहुत सारे पक्षी, सन्ति माने है। यहाँ पर राजीव रमा के प्रश्न का उत्तर देते हुए कहता है कि हे रमा, चित्र में तो बहुत सारे पक्षी हैं। उमा, यहाँ पर उमा जो दूसरी बालिका है वह प्रश्न करती है, किम त्वम एतेषां नामानि जानसि। किम माने क्या, त्वम माने तुम, एतेषां का अर्थ है इन सब के, नामानि नाम, जानसि माने जानते हो। यहाँ पर उमा प्रश्न करती है, क्या तुम इन सब के नाम जानते हो। उमेशहा, यहाँ पर उमेश नामक जो बालक है वह कहता है आम कि हाँ, अत्र मयूरहा वकहा कुक्कुटहा च संति। अत्र माने यहाँ, मयूरा का अर्थ है मोर, वकहा का अर्थ है आपका बगुला, कुक्कुटहा का अर्थ है आपका मुर्गा, चा माने और, संति माने है। यहाँ पर उमेश कहता है हाँ, यहाँ मोर, बुगला और मुर्गा है। रमा यहाँ पर कहती है तत्र सुकहा काकहा उल्लुकहा चा अपि संति। रमा यहाँ पर बताती है तत्र माने वहाँ, सुका का अर्थ है आपका तोता, काका का अर्थ है कौवा, उल्लू कहा का अर्थ है आपका उल्लू, चा का अर्थ होता है आपका और, अपि माने भी, संति माने है। रमा यहाँ पर कहती है कि वहाँ तोता, कौवा और उल्लू भी है। राजीव नामक जो बालक है वह यहाँ पर प्रश्न करता है किम चटका हंसहा च न इत्तहा। कि माने क्या, चटका चिड़िया, हंसहा हंस, च माने और, न माने नहीं, इस्ता माने है। यहाँ पर राजीव कहता है क्या चिड़िया और हंस दोनों नहीं है। उमा यहाँ पर बताती है आम हाँ, चित्रे चटका हंसा च इस्तहा,
चित्रे माने चित्र में, चटका चिड़िया, हंसाह हंसा का अर्थ है हंस, चा माने और स्था माने है। यहाँ पर उमा कहती है कि हाँ चित्र में चिड़िया और हंस दोनों है। अत्र तु कपोतः पिकः च अपि स्तः, अत्र माने यहाँ, तु माने तो, कपोतः कपोता का अर्थ है आपका कबूतर, पिकः पिका का अर्थ है आपका कोयल, च माने और, अपि माने भी, स्था माने है। यहाँ तो कबूतर और कोयल भी दोनों है। उमेशः, उमेश यहाँ पर प्रश्न करता है, अधुना वद, अब बताओ, मयूरः किं करोति, मोर क्या कर रहा है। राजीवः, राजीव यहाँ पर बताता है, मयूरः नर्त्यति, मोर नाच रहा है। रमा यहाँ पर प्रश्न करती है, वकः कुत्र तिष्ठति, यहाँ पर रमा कहती है वकः, वकः का अर्थ है आपका बुगला, कुत्र माने कहाँ, तिष्ठति माने बैठा है, बुगला कहाँ बैठा है। उमा यहाँ पर कहती है, वकः तु जले तिष्ठति, बुगला तो जल में बैठा है। उमेशः, उमेश यहाँ पर प्रश्न करता है, अन्य खगः कुत्र तिष्ठन्ति, अन्य माने दूसरे, खगः माने पक्षी, कुत्र माने कहाँ, तिष्ठन्ति माने बैठे हैं। यहाँ पर उमेश प्रश्न करता है कि दूसरे पक्षी कहाँ पर बैठे हैं। रमा यहाँ पर उत्तर देती है, अन्य खगः तु वृक्षस्य शाखासु तिष्ठन्ति, यहाँ पर रमा बताती है अन्य, अन्य का अर्थ है आपका दूसरे, खगा माने पक्षी, तु माने तो, वृक्षस्य वृक्ष की, शाखासु शाखा पर, तिष्ठन्ति माने बैठे हैं। यहाँ पर रमा उमेश के प्रश्न का उत्तर देती है कि जो दूसरे पक्षी हैं वह तो वृक्ष की शाखाओं पर बैठे हैं। यहाँ पर यह आपका पाठ समाप्त होता है। इस पाठ के माध्यम से आप अपने पक्षियों के बारे में ज्ञान प्राप्त करेंगे। यहाँ पर आपकी बुक में विशेष रूप से यह आपको समझाया गया है, मिलित्वा गायन्तु अवगच्छन्तु आचरन्तु च, यह जो आपका इन्होंने एक श्लोक दिया हुआ है इसको आपको मिलकर गाना है, समझना है और अपने आचरण में प्रयोग करना है। न कश्चित कस्यचित् मित्रम, न कश्चित कस्यचित् रिपुः, व्यवहारेण जयन्ते मित्राणि रिपवस्तथा, यह जो आपका श्लोक इन्होंने दिया है यह व्यवहार के बारे में बताया गया है। पहले आप अपने शब्दों का अर्थ समझ लीजिए, उसके बाद हम इसका भावार्थ करेंगे। ना माने नहीं, कश्चित, कश्चित का अर्थ है आपका कोई, कस्यचित किसी का, मित्रम, मित्रम का अर्थ है मित्र, ना माने नहीं, कश्चित, कश्चित का अर्थ है आपका कोई, कस्यचित माने किसी का, रिपु माने शत्रु। यहाँ पर कहने का अर्थ है कि ना कोई किसी का मित्र है, ना कोई किसी का शत्रु है। व्यवहारेण जयन्ते, व्यवहारेण का अर्थ है आपका व्यवहार के द्वारा, जयन्ते, जयन्ते का अर्थ है आपका जीतते हैं, मित्राणि मित्रों को, रिपुवस्तथा और शत्रुओं को, जो हम प्राप्त करते हैं मित्र और शत्रु वह हमारे व्यवहार के द्वारा ही हमें मिलते हैं। भावार्थः, जो आपका भावार्थ इन्होंने दिया है उसको भी आप देख लीजिए। संसारे कहा अपि जनः अकारणम एव कस्यचित् मित्रम अथवा शत्रु न भवति। संसारे, संसारे का अर्थ है आपका संसार में, कहा माने कोई, अपि माने भी, जनः, जना का अर्थ है आपका लोग या व्यक्ति, अकारणम बिना कारण, अय माने ही, कस्यचित् किसी का, मित्रम माने मित्र अथवा शत्रु, अथवा शत्रु माने नहीं, भवति माने होता है। इस संसार में कोई भी व्यक्ति बिना कारण के ही किसी का मित्र अथवा शत्रु नहीं होता है। जनानाम व्यवहारेण एव तेषां मित्राणि शत्रुवः च भवन्ति। जनानाम, जनानाम का अर्थ है आपका लोगों के, व्यवहारेण व्यवहार के द्वारा, एव माने ही, तेषां माने उनके, मित्राणि मित्र, शत्रुवः शत्रु, च माने और, भवन्ति माने होते हैं। लोगों के व्यवहार के द्वारा ही उनके मित्र और शत्रु होते हैं। अतः वयम सर्वे सह विनम्रतयाः एव व्यवहारं कुर्याम। अतः माने इसलिए, वयम, वयम का अर्थ है आपका हम सब, सर्वे माने सभी, सह साथ, विनम्रतयाः विनम्रता
एवमने ही व्यवहारम, व्यवहारम का अर्थ है आपका व्यवहार, कुरियाम, कुरियाम का अर्थ है आपका करना चाहिए। इसलिए हम सभी के साथ हमें विनम्रता का ही व्यवहार करना चाहिए। यहाँ पर जो आपका श्लोक इन्होंने दिया है उसका सामान्य अर्थ है कि इस संसार में ना कोई किसी का मित्र होता है, ना कोई किसी का शत्रु होता है। हम मित्र और शत्रु अपने व्यवहार के द्वारा ही बनाते हैं। आपके भावार्थ का जो इन्होंने अर्थ दिया है वह भी आपका इसी प्रकार है कि संसार में कोई भी व्यक्ति बिना कारण ही किसी का मित्र अथवा शत्रु नहीं होता। लोग अपने व्यवहार के द्वारा ही उनको अपना मित्र और शत्रु बनाते हैं। इसलिए हम सभी को सभी के साथ विनम्रता का व्यवहार करना चाहिए। यह आपको अपने आचरण में लाना है, क्योंकि यदि हम सभी से विनम्रता का व्यवहार करेंगे तो हमारा कोई भी शत्रु नहीं होगा, सभी हमारे मित्र होंगे। यहाँ पर आपका पंचम पाठ समाप्त होता है। मिलते हैं आपके इस पाठ के अभ्यास कार्य के साथ अगले वीडियो में। सर्वेभ्य नमो नमः।